इस वीडियो हम लोग यूनिट्स को कन्वर्ट करना सीखेंगे कि जैसे किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज किया जाता है और कोई नंबर अगर मीटर में दिया है उसको किलोमीटर में कैसे चेंज करेंगे। इस पे बेस मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं उसका जो बेसिक है वो मैंने समझाया है। यहाँ पर थोड़ा सा उससे हाई लेवल के क्वेश्चन, थोड़ा सा हाई, तो वो मैंने आज इस वीडियो में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 50 रुपीज़ 90 पैसे। अब इसको जो पूरी लाइन है यानी 50 रुपीज़ 90 पैसे, इसको हमें एक साथ हमें रुपीज़ में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो जो रुपीज़ में दिया हुआ है उसको पहले हम यहाँ पे अलग लिख लेंगे, 50 रुपीज़, यानी ये रुपीज़ में चेंज है। अब 90 पैसे को हमें रुपीज़ में चेंज करना है, तो इसको हम प्लस में लिखेंगे, जिस जो चेंज नहीं होगा उसको अलग हम प्लस में लिख देंगे। तो यहाँ पर 90 पैसे, अब हमें पता है पैसे को रुपए में जब चेंज करते हैं, पैसे से जब हम रुपए में आते हैं तो 1/100 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि रुपए में पहले से चेंज है, इसको हम रुपए में चेंज करने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब यहाँ पर क्या आ जाए, पैसे की जगह पर यहाँ पर आ गया अब रुपए, क्योंकि 1/100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे 50 रुपीज़ प्लस 90 × 1 यानी 90 का ऊपर 1 से मल्टीप्लाई अपॉन 100 रुपीज़। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल होकर नीचे बचा है 1 0, तो हमें डेसिमल लेफ्ट साइड की तरफ एक डिजिट मूव करना है और डेसिमल लगा देना, तो आ जाएगा हमारा 50 रुपीज़ प्लस 0.9 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पे 1 0 था तो हम एक नंबर मूव हुए, अगर 2 होता तो 2 नंबर मूव होते तो हमारा आता 0.09। अब हमें इसको ऐड करना है, तो ऐड करना जानते हैं कि हम किसी भी अगर कंप्लीट नंबर लिखा हो उसके बाद में पॉइंट लगा के जितना जीरो चाहे उतना जीरो हम ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे 50 को हम 1 0 पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो पॉइंट के बाद हमें 1 0 यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि पॉइंट के बाद क्या है, तो अब पॉइंट से हम पॉइंट मिला देंगे, लेफ्ट साइड में जो है 0 है तो 0 लिख देंगे, राइट साइड में जो भी नंबर हो वो यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे 9 था तो 9 + 0 9 0, पॉइंट एक लाइन में था तो यहाँ पे पॉइंट पहले लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 0 और यहाँ पे 5 के नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम मान लेंगे 0 है, तो 50.9 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह हम किसी भी रुपए को हम पैसे को रुपए में चेंज कर लेंगे। फिर क्वेश्चन जो सेकंड है वो है 9 मीटर 7 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर 7 सेंटीमीटर, तो इसको हमें कंप्लीट इसको मीटर में चेंज करना है। ठीक है, तो जो मीटर में पहले से दिया हुआ उसको हम अलग प्लस में लिख लेंगे, तो 9 मीटर ये कंप्लीट मीटर में दिया हुआ है, अब बाकी ये सेंटीमीटर इसको बस चेंज करना है हमें मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 1/100, क्योंकि 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर = 1/100 मीटर, तो यानी कि इसको 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 9 मीटर + 7 × 1/100 मीटर। ठीक है, अब 7 × 1 तो हो जाएगा यहाँ पे 7/100 मीटर, तो यहाँ जो आएगा 9 मीटर 7/100 यानी कि नीचे 2 0, तो इधर हम 2 नंबर खिसकेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ 7 तो आगे इसके आगे 0 मान लेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 0.07, क्योंकि नीचे 2 0 था, हम इधर की तरफ 2 digits मूव हुए, अगर यहाँ पे 3 0 होते तो ये होता 0.07, क्योंकि इधर की तरफ हम 3 digits मूव करते। तो अब यहाँ पे ये भी हो गया हमारा मीटर में, अब इसको ऐड कर देंगे 9, और ये ऐड करना जानते हैं कि 9 के बाद हम जितना पॉइंट लगा के जितना जीरो माने उतना मान सकते हैं, यानी किसी भी नंबर के बाद पॉइंट लगा के जितना जीरो चाहें उतना मान सकते हैं। अब इसको ऐड करना है, तो पॉइंट से पॉइंट मिला 0, उसके बाद 0.7, तो 0.70.9, तो 9.070, तो ये हो गया हमारा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर, 9 सेंटीमीटर इसको कंप्लीट हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 9 सेंटीमीटर जो कि पहले से सेंटीमीटर में दिया उसको ऐसे नोट कर लेंगे, प्लस 8 मिलीमीटर, इतने पार्ट को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 1/10 से मल्टीप्लाई करते हैं,
तो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर प्लस 8 into 1 upon 10 करेंगे तो 8 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा सेंटीमीटर, तो 9 प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पे एक जीरो है यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 0.8, यानी कि जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो इसको ऐड कर देंगे आ जाएगा 9.8 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर डी, 70 किलोमीटर 5 मीटर। अब इसको हमें किलोमीटर में चेंज करना है कंप्लीट, तो जो किलोमीटर में पहले से दिया उसको ऐसे ही लिख लेंगे 70 किलोमीटर, बाकी इसको 5 मीटर, 70 किलोमीटर 5 मीटर। अब बस हमें मीटर को किलोमीटर में चेंज, ये तो पहले से ही लिखा हुआ है, तो किलोमीटर को मीटर में, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1/1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 70 किलोमीटर प्लस 5 into 1/1000 किलोमीटर, अभी मीटर से ये हो गया किलोमीटर, अब 70 किलोमीटर 5 का 1 से मल्टीप्लाई तो 5/1000 किलोमीटर। अब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, नीचे देखो 3 जीरो हैं तो हमें लेफ्ट साइड की तरफ 3 डिजिट्स मूव करना होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट तो बाकी के हम 2 जीरो इसके आगे मान लेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया जाएगा। तो 70 किलोमीटर प्लस 0.005, क्योंकि नीचे 3 जीरो तो इस तरफ हम 3 पॉइंट्स मूव हुए और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अगर नीचे केवल 2 जीरो यानी 100 होता तो हम लेफ्ट साइड की तरफ यहाँ पे मूव करते और यहाँ पे जीरो लगा देते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं तो जो है वही लिख लेंगे, ठीक है किलोमीटर। अब ऐड करने की बात करें तो 70 इसके बाद पॉइंट लगा कि हम जितने जीरो हमें आवश्यकता होगी उतने जीरो लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स थी तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स के बाद दिखानी होती हैं तो दिखा लेंगे। अब पॉइंट से पॉइंट मिला दो, लेफ्ट साइड में जीरो है तो यहाँ पे जीरो, और राइट साइड में जो नंबर सीक्वेंस वाइज हम लिख लेंगे, यहाँ पहले पे जीरो है, दूसरे पे जीरो, तीसरे पे 5, तो अब 0 + 5 = 5, 0 पॉइंट बिल्कुल लाइन में, तो यहाँ पे पॉइंट और फिर ये 0, और 7 के बाद यहाँ पे कुछ तो है नहीं तो 0 मान लेंगे, तो 70.005 किलोमीटर। इसी तरह हम किलोग्राम वाला क्वेश्चन करते हैं। किलोग्राम वाले क्वेश्चन में 5 किलोग्राम प्लस 8 ग्राम, 5 किलोग्राम और 8 ग्राम, इसको कम्प्लीटली हमें किलोग्राम में चेंज करना है। तो ये तो हमें पहले से चेंज है तो इसको क्या लिख लेंगे, 5 किलोग्राम, बाकी को प्लस में, जिसको चेंज करना है उसको प्लस में लिख लें 8 ग्राम। तो अब इसको किलोग्राम को, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना, नहीं यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं तो 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 किलोग्राम ये तो पहले से चेंज है इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, 8 into 1/1000 किलोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे 5 किलोग्राम और 8 का 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके नीचे अगर हम 1 मान लें तो यहाँ पे 1000 से, तो 8 into 1 और 1000 into 1, तो 8/1000 किलोग्राम। अब इसको डेसिमल में चेंज करने, डेसिमल में चेंज करने का रूल क्या है, नीचे अगर 3 जीरो हैं तो इधर की तरफ हम 3 डिजिट्स मूव करते हैं और पॉइंट लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट्स तो है नहीं तो उसके आगे हम 2 जीरो और मान लेंगे, तो आ जाएगा हमारा 0.008, क्योंकि इसके आगे 3 डिजिट्स तो कोई है नहीं। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता 2567, नीचे होता 1000, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स थी तो हमें यहाँ पे 1, 2, 3 डिजिट्स इधर मूव करते हो यहाँ पे पॉइंट लगा देते, अगर यहाँ पे 20 होता तो हम इधर की तरफ 2 डिजिट्स मूव करते और यहाँ पे पॉइंट लगा देते, अगर 10 होता तो हम इधर सिर्फ 1 डिजिट मूव करते हो यहाँ पे पॉइंट लगा देते। तो इस तरह हम डेसिमल में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा किलोग्राम। अब इसको ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, किसी भी नंबर के बाद हम पॉइंट लगा के जितना जीरो चाहे उतना हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसे हम कंप्लीट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स थी तो हमने 3 जीरो बढ़ा लिए, अब पॉइंट से पॉइंट मिला दो, इधर लेफ्ट साइड में जीरो है तो जीरो लिख दो, राइट साइड में सीक्वेंस वाइज नंबर जो भी हैं वो लिख दो, 8 + 0 = 8, 0, 0, पॉइंट से पॉइंट बिल्कुल लाइन में आना चाहिए, और +5 = 5.008
किलोग्राम। तो इस तरह हम किसी